टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारतीय खिलाड़ी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय निशानेबाज मनु भाकर की पिस्टल में टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वो 10 मीटर की एयर पिस्टल कंपटीशन में फाइनल में जगह बनाने से रह गई। जब मनु की पिस्टल में खराबी आई तो उन्हें 55 मिनट में 44 शॉट चलाने थे। पिस्टल ठीक होने के बाद जब वो लौटी तो उनके पास सिर्फ 36 मिनट का टाइम बचा था, और इस हाईली मेंटल कॉन्सेंट्रेशन की गेम में उन पे काफी मेंटली प्रेशर पड़ा, जिससे वो सिर्फ 2 पॉइंट से रह गई। फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए वो अच्छे ट्रैक पर थी। 16 शॉट के बाद उनका स्कोर 160 में से 154 था, लेकिन फिर अचानक उनकी गन का कॉकिंग लीवर टूट गया, जो कि एक बहुत ही रेयर घटना होती है। जब उसको रिपेयर करने के लिए ग्रिप को खोला गया तो पता लगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट भी ज्यादा गर्म होने की वजह से टूट गया। पिस्टल बनाने वाली कंपनी ने अपनी फेसबुक पर यह शेयर किया और सारा ब्लेम कोचेस पर डाल दिया। इन सब गड़बड़ी के बाद भी मनु भाकर ने बेहतरीन शूटिंग करी और 600 में से 575 स्कोर करा। अभी उनकी एज सिर्फ 19 साल है और फ्यूचर में वो भारत के लिए ओलंपिक मेडल्स जरूर जीतेंगी।